बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्लॉट्स डॉट पी के से मैं हूँ सिबा मिर्ज़ा और आज हम लोग मौजूद हैं रुडन इनक्लेव के 14 मरला ब्रीफिंग इवेंट में। आपको बहुत सी मालूमात से आगाह करेंगे, तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या हो रहा है। हमारे साथ मोहम्मद शकील मुनीर मौजूद हैं जो प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चैम्बर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सलाम, ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और मुझे बताएं आज के इस इवेंट में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा इवेंट था ये, और रुडन एनक्लेव की लॉन्चिंग थी 14 मरले की, और बड़ा अच्छा इवेंट था। प्रोजेक्ट भी बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है और उस पर अभी डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं प्रोजेक्ट के हवाले से। सर अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए हैं रियल इस्टेट पे, इस हवाले से आपकी क्या राय? जी बिल्कुल, इस पर हम बात कर भी रहे हैं ऑलरेडी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो ये टैक्सेस अभी लगाए गए, इससे मैं समझता हूँ कि इस सेक्टर को डिस्करेज किया जा रहा है, जिससे इन्वेस्टर जो है वो इसको डिस्करेज किया जा रहा है कि वो यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरफ लेके मूव करे। तो इस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर इसको रिव्यू करे और जो ये रेट्स जो बढ़ाए गए हैं इनको अपनी पहली पोजीशन के ऊपर वापस लाया जाए, जिससे इसमें देखें इस ये सेक्टर सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, इससे जुड़े हुए 72 सेक्टर्स हैं जो इससे इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ चल रही हैं, उसमें 40 डायरेक्ट हैं और 32 इनडायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे रेलेवेंट हैं। और एक इंडस्ट्री आप देखें उसमें हज़ारों लोगों, हज़ारों फैमिलीज़ का रोज़गार उनके साथ जुड़ा होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए और इस सेक्टर को इस आप देखें ये सेक्टर इसमें पिछली गवर्नमेंट ने कुछ इसमें इंसेंटिव दिए थे, तो उससे इस सेक्टर ने बूस्ट किया और उससे बाकी इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो फ्लॉरिश हुई। अब इस अगर यहाँ पे इस वक्त ऐसे टैक्सेस लगा दिए जाएंगे तो उससे ये मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी इस सेक्टर को डिस्करेज किया जाएगा और उसमें इन्वेस्टर जो है वो परेशान होगा। तो इसमें मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि इसको दोबारा इसको रिव्यू करें और स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के इसके ऊपर जो भी डिसीजन करना है वो करें। अच्छा सर, मैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपके नज़दीक, आपकी नज़र में सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है जिसमें आप ख़ुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? देखिए वो तो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में इस वक्त जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए जैसे मैं रोडन के हवाले से ही बात करूँगा कि उसकी आप देखें कि उसकी लोकेशन क्या है और उस वो एक्सेस है एक इजीली आम बंदे की एक्सेस में है, वहाँ पहुँचना, वहाँ पे उसकी लिविंग, उसका वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मतलब बेसिक नेसेसिटी जो हैं पानी बिजली गैस इनका होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि रोडन ने जो प्लान अपना दिया हुआ है जिस तरह से इसकी डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट की है, तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी जो है वो सोसाइटी जो है वो एस्टेब्लिश करेंगे इंशाल्लाह। सर एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आज का इवेंट, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइज़ किया था सारा और बहुत अच्छा था, और मेरे ख्याल से अगर हम कहें कि कोई कोताही या मैनेजमेंट के किसी भी हवाले से कोई भी गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा इवेंट रहा है, आपके माइंड में जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? मेरे माइंड में दो चीज़ें चल रही थी, एक तो रुडन को ज्वाइन करना था तो हम चाह रहे थे कि अपने दोस्तों की मौजूदगी में ज्वाइन किया जाए, और दूसरा ये था कि रुडन की नेटवर्किंग करना, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत कम हैं इस मार्केट के अंदर जो अपने जो डीलर्स हैं वो इन्वेस्टर्स को जिससे बेनिफिट्स पहुंचा सकें और एंड यूज़र को जिससे फ़ायदा हो। तो ये एक
रिंग रोड पे एक मुनफरद प्रोजेक्ट था जिसको ज्वाइन करना एक तो पर्पज़ था, दूसरा ये था कि गवर्नमेंट के चेंज होने से रियल स्टेट एजेंट जो था वो बड़ा कंफ्यूज था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि मार्केट जो थी वो बिल्कुल स्ट्रक थी। तो हमने एक ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो रूडन की जो नई डील है उससे मुस्तफीज हो सके। सर मुझे बताएं, जो ऑब्जेक्टिव आप लेकर ये इवेंट करवाया था क्या वो पूरा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी 100% सक्सेसफुल रहा। मतलब आप रूडन को ज्वाइन कर रहे हैं? रूडन को हमने ज्वाइन कर लिया। तो सर मुझे ये बताएं, आपकी क्योंकि मार्केटिंग कंपनी भी है, आप लोग किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हम जी नोवा सिटी को देख रहे हैं एज अ ऑथराइज डीलर, नोवा इस्लामाबाद को, नोवा पेशावर को, हम ताज रेजिडेंशिया को देख रहे हैं, रूडन इनक्लेव को देख रहे हैं और पार्क सिटी को देख रहे हैं। आपने जब मार्केटिंग कंपनी बनाई तो किस विजन को लेकर आप आगे आए? मेरा एक ही शुरू से गोल रहा है कि मैं कोई भी मास लेवल का मीडियम मेरे पास हो जिससे मैं दूसरे लोगों के काम आ सकूं, और ये मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरी अर्निंग है उसका 50% मैं खर्च करता हूं उन लोगों को आगे लेके आने में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप यूथ को या जो देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम दें? यूथ को मेरा यही मैसेज है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 4 ऑफिस बॉय एक साल के टेन्योर में सेल्स में आ चुके हैं, तो आप आगे बढ़ें, अपना काम शुरू करें, अपनी कंपनी बनाएं, आप भी 4,000 लगा के SECP से रजिस्टर्ड हों और कल को मार्केट में छा जाएं। इंशाल्लाह छाएंगे भी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर कमिंग। plots.pk की टीम ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और ये एक मुनफरद चीज़ है जो नासर भाई लेके आए हैं इस फील्ड के अंदर। इनका वेब चैनल भी है और डिजिटल मीडिया में आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में मुझे फील हो रहा है कि प्रॉपर्टी plots.pk जो है वो सबको लीड करेगा। काफ़ी सोसाइटीज में मैंने सुना है इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अब तक कितने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं और क्या क्या रिजल्ट? मैंने अब तक ताज रेजिडेंशिया में किया है, पार्क व्यू में मैंने बहुत किया है और चिड़िया सेक्टर्स में मैंने किए हैं, I-14 में, I-15-16 में और ये फतेह जंग में एक 2 सोसाइटी हैं वहाँ पर मैंने किया है, टॉप में मैंने किया है, तो अब मैं रूडन में। सवाल है रूडन में इन्वेस्ट करने की खास वजह? रूडन में एक तो उसकी ख़ास वजह यह है कि उसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, उसमें जैसे 2 डैम भी आ रहे हैं और दूसरा वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ इन्वेस्टर के लिए देखा जा रहा है वहाँ से जो रिंग रोड निकल रही है वहाँ से तकरीबन मैं 1-2 किलोमीटर के वहाँ से स्टार्टिंग पे रिंग रोड है जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वहाँ पे लोगों को और मेरा ख्याल है कि लोग ज़्यादा उसकी तरफ जाएंगे, माइल होंगे। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, रूडन में भी करना चाहिए, बाकी प्रोजेक्ट में भी, अच्छे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें भी करना चाहिए। रूडन की खास बात यह है कि रिंग रोड उसको बहुत बेनिफिट है उसका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मुझे सर ये बताएं कि आपकी जो मार्केटिंग कंपनी है वो किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? जी मेरा हमारा 20 साल से रियल स्टेट का ही बिजनेस है और साथ हमारा मार्केटिंग का भी है, प्लस अभी कोई 5-6 साल से कंस्ट्रक्शन में भी हमने कदम रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने DHA में, बैरियर एनक्लेव में और CDA सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इस वक्त अभी रूडन इनक्लेव के नाम से जो ये सोसाइटी लॉन्च हो रही है इसके बारे में हमें पता चला तो हम यहाँ इस इवेंट में आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी हम काम करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्योंकि रूडन इनक्लेव के बारे में जो हमें पता चला है कि इसकी मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे और ईमानदार लोग हैं और प्लस ये है कि इसकी लोकेशन जो है वो नियर रिंग रोड और प्लस ये है कि मोटरवे के करीब है, तो आने वाला जो नया जो एक बन रहा है आपका पूरे का पूरा हब ये उसके जीरो पॉइंट पे आ रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि रूडन इनक्लेव जो है वो तमाम सोसाइटीज़ को पीछे छोड़ देगी? इंशाल्लाह ताला देखें जिस तरह इसकी मैनेजमेंट अनथक मेहनत करती है, पहले भी ये 1-2 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, अब भी अगर ये अपनी अनथक मेहनत करेंगे और टाइम से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि क्लाइंट को टाइमली चीज़ डिलीवर करना, अगर ये क्लाइंट को टाइमली डिलीवर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी इनके कदम चूमेगी और प्लस ये है कि फिर मार्केट में देखें जो हम लोग इन्वेस्टर हैं या प्रोजेक्ट करने वाले लोग हैं
हमने भी सरमाया वहीं पे लगाते हैं जहाँ हमें उम्मीद हो कि यहाँ से हमें इसका रिटर्न मिलेगा। तो उसके रिटर्न का यही तरीकाकार होता है कि वो उसको अच्छे तरीके से डेवलप करें प्लस टाइमली डिलीवर करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये लोग करेंगे। सर लास्ट पे आप अपनी मार्केटिंग कंपनी को कहाँ देखते हैं इन फ्यूचर? इन फ्यूचर ये है कि देखें, मैंने पहले भी बताया कि हमें तकरीबन 20 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी फील्ड के अंदर ना, तो आने वाले दौर में भी इंशाल्लाह ताला इसमें मज़ीद हम जिद्दत अपनी कंपनी में लाएंगे और मज़ीद मार्केटिंग की तरफ जाएंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं रूडन एंड क्लेव के एक इवेंट पर जो कि मुनक्किद किया है डील्स मेकर ने। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि मार्केटिंग कंपनीज हैं, किन किन प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त मार्केट के जितने भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जैसे पार्क व्यू है उसके ऑथराइज्ड हैं, उसके बाद हम अपना ताज रेजिडेंसिया है उसका काम कर रहे हैं, नोवा के हैं, और फिर जिस प्रोग्राम पे आए हैं रूडन एंड क्लेव मार्केट का एक इस वक्त अच्छा नाम है रूडन एंड क्लेव में, और इसके अलावा बहुत सारे अदर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, इनमें ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है रूडन में ऐसी क्या यूनिकनेस है कि यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए? जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि देखें रूडन इस वक्त जो इस्लामाबाद पिंडी जो कि ट्विन सिटी है इसका एक सबसे मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है रिंग रोड। अब उस रिंग रोड के बुनियाद पर जो रूडन एनक्लेव है सबसे ज़्यादा करीब तरीन है उसके, रिंग रोड की जो लाइनमेंट है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो रूडन एनक्लेव रिंग रोड के करीब तरीन और उससे 0 किलोमीटर दूर है। इस वजह से ये सबसे पहली तो बात ये है इसकी, और उसके बाद अगर देखें तो कोई भी प्रोजेक्ट जो होता है उसके पीछे टीम बड़ी मतलब कि डिपेंड करती है टीम कैसी है। तो मैं ये समझता हूँ कि रूडन एनक्लेव में हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनके मार्केट को अच्छे तरीके से लेके चलना, उसके बाद डेवलपमेंट में जो थोड़ी बहुत कमी थी वो अब इस साल इन्होंने डेवलपमेंट का बताया, जैसा कि इसके जो कंट्री हेड हैं असद अब्बास साहब उन्होंने बताया कि जी 2022 और 23 जो है इसके डेवलपमेंट का साल है, तो उसके मुताबिक अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, एक डेवलपमेंट और लोकेशन, तो लोकेशन ऑलरेडी आपको बता दी, दूसरी डेवलपमेंट इसकी बड़ी अच्छी चल रही है जी। सर आपने कहा टीम बहुत मैटर करती है, आपके टीम मेंबर होप मार्केटिंग के मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसा लग रहा है सर आपको इवेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है, और एक इस तरह के इवेंट्स जिसमें तमाम रियल्टर्स को इकट्ठे किया जाता है एक पेज पे, उनको लाया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है, तो इस तरह के इवेंट करने से मार्केट में एक दूसरे का पता लगता है कि कौन किसके तहफ़ुज़ात हैं, वो हम जो प्रोडक्ट डिलीवरी की तरफ जो जा रहे हैं उन तक हम पहुंचा सकें, वो जो चीज़ है जो उनके तहफ़ुज़ात हैं वो उन तक पहुंचा सकें। सर मुझे ये बताएं कि आप अगर पर्सनल इन्वेस्टमेंट करने चाहें तो क्या रूडन में करेंगे? जी डेफिनेटली, और मैंने किए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ऑलमोस्ट सारी इन्वेस्टमेंट रूडन में ही हैं, रूडन के ऊपर बिलीव है और रूडन की मैनेजमेंट के ऊपर हमें बिलीव है और वो हमें डिलीवर करेंगे, और दे आर डूइंग वेल और वो प्रॉपर तरीके से मार्केट को लेकर चल रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि 2-3 साल के बाद आप एक प्रोजेक्ट का नाम सुनेंगे और वो है रूडन, बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन और बिकॉज ऑफ देयर मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं कि प्रॉपर्टी एक्सपर्ट किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स कोहिस्तान इंक्लेव, न्यू सिटी और इस्लामाबाद प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अच्छा, रूडन इंक्लेव में काम करने की क्या खास वजह? ख़ास वजह यह है कि इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है और फ्यूचर इनका बहुत अच्छा लग रहा है, और इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सोसाइटी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी कंपनी का मेन विजन क्या है? देखें कोई भी अगर बंदा कंपनी बनाता है सबसे पहले तो हर बंदे की यही सोच होती है कि हम थोड़ा बहुत सेटल्ड होंगे और जो है काम शाम करेंगे, पैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें तो सामने पहले बंदा रखता ही है, लेकिन हमारे कुछ ये विजन भी हैं कि जैसे अब हमारे अपने दोस्त हैं वो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं,
उसके अलावा फैमिली मेंबर्स हैं काफ़ी लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम क्यों ना ख़ुद उनको ये खिदमत जो है या सर्विसेज जो हैं ये दी जाएं। हाँ जी, ये हम उन्हें वो सर्विसेज सारी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा एक ये विजन भी ये है कि हम लोगों को साफ़ सुथरी और जो है ना बिल्कुल विदाउट कोई भी बंदा हेजिटेट कहीं पे भी अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर ले, कि उसे पता हो कि ये मतलब यहाँ पे हमें कोई मसला नहीं है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूबने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से ऐसा होता है कि लोग इन्वेस्ट करते हैं वो फ्रॉड हो जाता है और वो बिलीव नहीं करते। अभी आप किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं ताज रेजिडेंशिया पे और CDA कर रहे हैं, इसके बाद हमने अभी ये रूडन इनक्लेव पकड़ा है। ताज रेजिडेंशिया का जो प्लस पॉइंट है उसकी लोकेशन है, और सबसे बड़ी चीज़ है उसके जो भी डेवलपर्स और उसके जो ऑनर्स हैं। और आपको पता है कि सेंटोरस मॉल उन्होंने पहले डिलीवर किया है, और सेंटोरस मॉल 2 भी वो उधर बनाना जा रहे हैं अभी, वो ताज रेजिडेंशिया में ही। तो एक तो वो बहुत बड़ा ग्रुप भी है, बहुत बड़ा नाम भी है, और इसी वजह से हमने सबसे पहले जो है ना सोसाइटीज़ में से ताज को पकड़ा है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब ताज में बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, और ताज का एक नाम भी है। इसके अलावा रूडन इनक्लेव का भी जो हमारे पास आई है इसकी सारी चीज़ें, तो रूडन क्योंकि एक तो ये रिंग रोड पे आ रहा है, दूसरा यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है 100%, और इसी वजह से ही हम ये चाह रहे हैं कि हमारे जो भी जानने वाले हैं लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो रूडन इनक्लेव जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, और हमारे बिहाफ पे करें, रूडन की जो मैनेजमेंट है उसके बिहाफ पे करें, बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। इन्वेस्टर्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? इन्वेस्टर्स के हवाले से भी यही कहूँगा कि एक तो हमारी एक साइकी है कि हम लोग जब देते हैं, मतलब लेट्स सपोज हमने डाउन पेमेंट दे दी, तो एक हफ्ते बाद कॉल आना शुरू हो जाती है, सर कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इन्वेस्टर्स जो थोड़े पुराने हैं उनको तो पता है कि देखिए कोई भी चीज़ जो है वो लेते के साथ जो है ना वो ये नहीं कि रातों रात जो है उसका 10 मिलियन आ गया, 12 मिलियन हो गया, फिर तीसरे दिन जो है वो 15। थोड़ा सा सब्र करना है, मतलब वो क्या कहते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस आर रेस। तो थोड़ा सा सब्र करें इंशाल्लाह, वरना पैसा डूब जाएगा आपका। ऐसा ही है, डूबता तो नहीं है। देखिए जिन लोगों का हम पैसा लगवा रहे हैं हम उनके ऑब्वियसली गार्डियन भी हैं, हम उनके जवाबदेह भी हैं, हम उनका पैसा जो है ना वो डूबने नहीं देंगे, चाहे हमें खुद से अपनी इंशाल्लाह अपनी मनी, अपनी पॉकेट मनी से क्यों ना देना पड़े, अपनी जेब से देना पड़े। जो भी हो ऐसे तो नहीं हो सकता कि जो बंदा हमारे बिहाफ पे कोई बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और हम जो है वो उसका पैसा ऐसे ही वो डुबो दें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। Plots.pk, plots se ghar tak.